न्यूज़ नहीं आ रही है, केवल खराब न्यूज ही आ रही है जो मन को हताश और निराश कर रही है फ्रेंड्स। लेकिन आज एक अच्छी खबर, जैसा कि बैंकर्स साथियों के लिए दो तीन खबरें बहुत इंपॉर्टेंट थी, एक तो फैमिली पेंशन का अपडेशन, LIC वालों का वेज रिवीजन, RRB के एम्प्लाइज के लिए 11 बाइपार्टाइट सेटलमेंट का इम्प्लीमेंटेशन। लेकिन RRB एम्प्लाइज के लिए 11 बाइपार्टाइट का इम्प्लीमेंटेशन तो हो गया था, और हमारे मोस्ट ऑफ द ग्रामीण बैंक के साथियों को अप्रैल से नई सैलरी भी मिल जाएगी, क्योंकि इसमें आर्यरत ग्रामीण बैंक, UP का बैंक ऑफ बड़ौदा ग्रामीण बैंक और विभिन्न सप्तऋषि ग्रामीण बैंक, कई ग्रामीण बैंकों में ये अप्रैल की सैलरी, नई सैलरी मिलेगी। लेकिन इनके एरियर का मामला लटका हुआ था, क्योंकि DFS के इंस्ट्रक्शन के हिसाब से इन्हें हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट में मिलना था 6 महीने के इंटरवल पे, जो कि हमारे मार्च 21-22 के फाइनेंशियल ईयर के लास्ट क्वार्टर से मिलना शुरू हुआ था। इस बारे में बैंक, ग्रामीण बैंक के यूनियंस ने DFS को बहुत अपना रिप्यूटेशन दिया था, और उस इंश्योरेंस उस पे के बाद ग्रामीण बैंक ने, DFS ने ये विचार विमर्श करके NABARD से रिव्यू किया सिचुएशन कि इसमें हम क्या कर सकते हैं, और इस हिसाब से उन्होंने, DFS ने 20 अप्रैल को एक सर्कुलर जारी करके इस बारे में सूचना दी, जिसका नंबर है 8/1/2021 RRB। चेयरपर्सन ऑफ द ऑल रीजनल बैंक्स, ऑल RRB रिवीजन ऑफ पे एंड अलाउंस ऑफ रीजनल रूरल बैंक्स इंप्लाई अंडर प्रोविजो 2 ऑफ द सेक्शन 71 ऑफ द RRB एक्ट 1976। और उन्होंने दो कंडीशन लगाए एरियर पेमेंट के बारे में, जो पहले से रिलैक्स करके, एक तो द मैटर हैज बीन सिंस रिव्यूड इन कंसल्टेशन विद NABARD एंड द फॉलोइंग फर्दर क्लेरिफिकेशन आर मेड विद रिस्पेक्ट द पेमेंट ऑफ एरियर्स ड्यू टू द वेज रिविजन इन RRB। पहला कंडीशन था कि दोज RRB हैविंग CRAR यानी कि कैपिटल टू रिस्क एसेट रेशियो मोर देन 9% एज ऑफ 31st March 2021 में पे द वेज रिविजन एरियर लाइबिलिटी फ्रॉम देयर ओन रिसोर्सेज इन अप्रोप्रिएट नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स टू बी इंडिपेंडेंटली अप्रूव्ड बाई द रिस्पेक्टिव बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ द कंसर्न RRB। दूसरा कंडीशन उन्होंने लगाया कि द RRB इज हैविंग लेस देन 9% ऑफ द 31st March 2021 में पे द एरियर्स इन 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स ड्यूरिंग द करंट फिस्कल ईयर आर मोर देन 4 इंस्टॉलमेंट्स एज डिसाइडेड बाय द बोर्ड्स ऑफ द RRBs कीपिंग इन व्यू द पोजीशन ऑफ रिलेटिंग टू कैपिटल लिक्विडिटी प्रोविजंस मेड टुवर्ड्स द वेज रिविजन एंड अदर लाइबिलिटीज ऑफ द RRB कंसर्न। यानी कि जिन RRB के CRAR 9% से कम है एज ऑफ March 21, उनका बोर्ड 4 इक्वल इंस्टॉलमेंट में बांटना या उससे भी अधिक करने के लिए इंडिपेंडेंटली अपने बोर्ड में जो डिसीजन लेगा उसके हिसाब से वो प्रोसीड करेंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना की वजह से अब तक हमारे बैंक में, बैंकिंग इंडस्ट्री में लगभग 650 प्लस लोगों की, हमारे साथियों की डेथ हो चुकी है, और आए दिन हमें जो संपर्क में काम करना पड़ता है, हम रिस्क लेके काम करते हैं। ऐसे में EFBO द्वारा ये डिमांड किया गया था कि क्यों ना वर्किंग कंडीशंस, आपको जो वर्किंग आवर रिड्यूस कर दिया जाए, कुछ ऐसे काम किए जाएं जो बहुत एसेंशियल हों, बाकी काम डिलीवरी चैनल के माध्यम से हो। इन सबों को ध्यान में रखते हुए EFBO ने मिनिस्ट्री को लेटर लिखा था, और इस बारे में SLBC महाराष्ट्र ने भी अपना पत्र लिख के इस बारे में चाहा था, और बैंक ऑफ बड़ौदा उत्तर प्रदेश का जो स्टेट लेवल बैंकर्स है उसने भी पत्र लिखा था, और आज 24 अप्रैल को उन्होंने एक परिपत्र जारी करके कहा है, लेटर टू ऑल मेंबर्स ऑफ बैंक्स एंड SLBC, और उसके हिसाब से जो उन्होंने डिसीजन लिया है बेस्ड अपॉन द
जो डिसीजन लिया है उस पे हिसाब से द बैंकिंग सर्विसेज विल बी अवेलेबल फॉर द कस्टमर फ्रॉम 10 to 2 PM एंड बैंक विल बी क्लोज by 4 PM। ये उत्तर प्रदेश के लिए है जो बैंक ऑफ बड़ौदा से गवर्नर स्टेट लेवल बैंकर्स है। उसके अलावा उन्होंने कहा इट हैज बीन रिजॉल्व टू प्रोवाइड एसेंशियल बैंकिंग सर्विसेज एज एडवाइज बाई IBA ड्यूरिंग आउटब्रेक ऑफ COVID-19 पैंडेमिक लास्ट ईयर वाइड सर्कुलर नंबर डेटेड 22 मार्च 2020। द ब्रांचेज विल अंडरटेक फॉलोइंग मिनिमम सर्विसेज कैश डिपॉजिट एंड विड्रॉल क्लियरिंग ऑफ चेक्स रेमिटेंसेज गवर्नमेंट ट्रांजेक्शंस ब्रांच मे प्रोवाइड एनी अदर सर्विसेज एज दे डेम फिट। द बैंक्स विल बी वर्किंग विद 50% स्टाफ स्ट्रेंथ ऑन रोटेशनल बेसिस कंप्लाइंग ऑल COVID-19 गाइडलाइंस इशूड बाई सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट्स फ्रॉम टाइम टू टाइम। ऑल अल्टरनेटिव डेली चैनल्स विल रिमेन ऑपरेटिव बैंक ऑफिस सर्विसेज ऑफ द बैंक विजय करेंसी चेस्ट ATM कैश लोडिंग वेंडर्स कोर बैंकिंग सोल्यूशन प्रोजेक्ट्स ऑफिस इन डाटा सेंटर डाटा रिकवरी सेंटर्स ATM बैंक ऑफिस सिक्योरिटी ऑपरेशन सेंटर्स ऑफ द साइब फॉर साइबर सिक्योरिटी सर्विस ब्रांचेज क्लियरिंग एक्सेट्रा आर द विल रिमेन इन ऑपरेशन एज पर द नॉर्मल रूटीन। द एबव अर्जमेंट्स विल बी इम्प्लीमेंटेड फ्रॉम 22 April 2021 टू 15 May 2021 एंड इफ रिक्वायर्ड द सेम वुड बी रिव्यूड फॉर द फर्दर एक्सटेंशन एनी अदर डिसीजन टेकन बाय द डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन विल सुपरसीड द इंस्ट्रक्शन इशूड बाय द SLBC UP इन दिस रिगार्ड। जैसा कि SLBC UP ने अपने रेजोल्यूशन पास करके जो बैंकिंग आवर्स कम किया है ये बहुत ही एक अच्छा कदम है ताकि हमारे बैंकर साथी को अपने इस कोविड की महामारी से अपने को सेव करने में मदद मिल सके। और ये इसी तरह से अन्य भी राज्य के स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी को इस रेजोल्यूशन को पास करके बैंकिंग आवर्स को रिड्यूस करना चाहिए ताकि हमारे बैंकर साथी कम से कम डेंजर खतरा में खतरना हो के काम कर सकें और सुरक्षित रह सकें। फ्रेंड्स इस न्यूज़ के साथ आज बस इतना ही। और कोई अच्छी न्यूज आती है तो मैं जरूर दूंगा। तब तक के लिए थैंक यू। आप सेफ रहिए, प्रिकॉशन लीजिए, प्लीज़ टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर ऑल द फैमिली मेम्बर्स। प्लीज़ बी सेफ, बी स्टे एट होम। थैंक यू।